अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान जेड डॉट टीवी में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मौजूद हूं एक मीनार मस्जिद नामपल्ली हैदराबाद में, जहां आज नामपल्ली फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से आज यहां पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसमें इफ्तार और साथ ही साथ ताम का भी माकूल इंतज़ाम है, जहाँ लोग हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और इफ्तार खा रहे हैं और साथ ही साथ ताम का इंतज़ाम भी किया गया है। और यहाँ पे कुछ उनके ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर रोज़दारों के साथ साथ यहाँ रोड पर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हुए यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं, ताकि तकलीफ़ ना हो रोज़दारों के साथ साथ आने जाने वाले रोड पर जो भी है ट्रैफिक को तकलीफ़ ना हो। इन तमाम ज़िम्मेदारियों को ये लोग अपने हाथ में संभालते हुए साथ ही साथ, और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग सहरी इफ्तार का ताम कर रहे हैं, यानी कि खाने का जो इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, जो कि सरों का समंदर आपको नज़र आ रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इफ्तार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वो लोग खाना भी खा रहे हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर ट्रैफिक जो जाम है, थोड़ी बहुत हल्की सी जाम है ट्रैफिक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो ज़िम्मेदार आ रहे हैं नामपल्ली फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, जो ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, तमाम टीम ट्रैफिक को संभालते हुए साथ ही साथ रोज़दारों को भी खाने का पूरा इंतज़ाम सही तरीके से पहुँचाते हुए, आइए यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे बात करते हैं। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيبنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا उनकी हाजिरी को तेरी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह यहाँ पर मासूम बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जिनके बाल सफ़ेद हो गए तो उनसे शर्माता है मेरे मौला, उनके आने को कबूल फरमा कर हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन कहते जाओगे। हर लीजिए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे एक जिम्मेदार है मोहम्मद उमर साहब, उनसे हम बात करते हैं कि आज यहाँ पर कितने लोगों का इंतजाम किया गया और किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं नामपल्ली फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हूँ, जो कि हम हर साल बहुत ही बड़े पैमाने पर इफ्तार कराते हैं यहाँ पे। दो साल लॉकडाउन पेंडेमिक होने की वजह से रुक गया था, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। एक 3,500 पब्लिक हर साल आती है हमारे पास इफ्तार के लिए इंशाल्लाह। यहाँ पर आज कितने लोगों तक की खाना है और इफ्तार की पहुँचाई गई है? अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इफ्तार है पूरा 3,500 से 3,500 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार और खाने से मुतासिर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हर साल होता है और पिछले दो साल के बाद ये पहली बार है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल करते हैं हम लोग, ये पिछले दो साल से पेंडेमिक की तरफ से एक बार भी नहीं हुआ है, तो दो साल के बाद हुआ है, तो इस साल ज़्यादा ही पब्लिक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जनाब मोहम्मद उमर, जो कि इस वक्त जो इंतज़ामिया थे वो तमाम आपको डिटेल्स पहुंचा रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, जैसा कि यहाँ पर उमर साहब ने बताया कि यहाँ पर 3 से 3,500 पब्लिक यहाँ पर हर साल इफ्तार भी करती है और साथ में ताम का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो आज का ये तमाम पूरा इंतज़ामिया थी नामपल्ली फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, तो ये हर साल किया जाता है। पिछले दो साल वबा की वजह से रोक दिया गया था, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसे रोका गया था, लेकिन अब आज इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामियात फिर एक बार वापस और अपने माकूल इंतज़ाम के साथ यहाँ पर पूरे इंतज़ाम देख रहे हैं आप यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आकर खाना भी खाते हुए साथ ही साथ एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए भी। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए इसी तरह से देखने के लिए आप हमारे चैनल को जेड नाउ टी वी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। देखते रहिए जेड नाउ टी वी। अल्लाह हाफिज़।